दुनिया में क्या सोच के रखा? किसी भी मुल्क का, किसी भी मजहब का, किसी रंग और किसी नस्ल का इंसान हो, जब उसको तकलीफ होती है ना, उसके मुंह से ऑटोमेटिक निकलता है आए नहीं नहीं आए हाय यही दिवाले पे पाउंड नहीं आता आए नहीं समझ आती भाई किथे किथे विकल मैं ना पाला मां जी तुसी पुत्र हो मेरे दिखाओ मुन कोई निशानी दिखाओ तो एक ने अंदर कर लो मैं कड़ा बेचना है आपा जी मैं मेहमान मैं आया था इनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन अम्मा जी ने मैंने ये साथ था के साथ मिलके चलना चाहिए ये हमारी माएं हैं हमारी बेटियां हैं हमारी बहनें हैं दैट इज करेक्ट एंड हाफ ओवर और इनका तहफ्फुज हमारी जिम्मेदारी है हमें अपनी जिम्मेदारी से छुपना नहीं चाहिए इसका हिसाब देना पड़ेगा बड़ा नाम है उसका और वो इन माओं को ढूंढ रहा है और पूरा असल से टाइम मांग रहा है बहुत बड़ी बात है जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम आप देखें ना माहौल ऐसे हो चलते हैं गम निशानियां कब तक रहेंगी प्यार पर दुनिया की मेहरबानियां इफ्तिखार ठाकुर साहब की जो है जो मेरे दिल में है कि मस्जिद नबी जब जाओ और जब वहाँ नमाज पढ़ के आप जब बाहर वापस आओ तो अपने जो पाँव की जो चप्पलियाँ हैं वो बड़े अदब एहतराम के साथ रखो मोस्टली वहाँ पर जो है हम लोग वो चप्पलियाँ जब बाहर निकलते हैं तो ऊपर से छोड़ते हैं और वो उसका बड़ा एक साउंड आता है जो कि उस अदब के जी अस्सलाम वालेकुम जी असद मैं इस वक्त बिनते फातिमा ओल्डो में मौजूद हूँ और आज जो है बड़ी हमारे लिए लाहौर के लिए स्पेशली माओं के लिए इफ्तिखार ठाकुर साहब जो हैं वो यहाँ पर आज मौजूद हैं सब माओं के साथ और शबाज शरीफ साहब नहीं जुड़े अक्सर शबाज शरीफ ना रही मैं फिर गाना तो गा देना चलते है गम निशानिया कब तक रहेंगी प्यार पर दुनिया की मेहरबानियां आपा जी मैं मेहमान कबूतर मर जाते बुढ़ी लेते उधर बुढ़ी लेते उधर बुढ़ी लेते बल्कि कबूतर बन जाते बच्चा मेरा मैं
मेरे बच्चे मेरे तो भी दो साल बड़े ने बोतल ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਸਿੱਧਾ ਛੱਤ ਤੇ ਵੱਜਾ ਜਾ चेंज हो गया इस वक्त जो है चलिए जी सारी जी एक तो क्लैपिंग कर दे सब एक साथ जो है माशाल्लाह जी माशाल्लाह क्या बात है जी आप जी से मिला हूँ मैं जी जी इतना मजा एक तो गाना गाया इन्होंने और उसके बाद इनकी गुफ्तगू जो है वो मेरे ख्याल सारों के लिए मजेदार है जी मेरे लिए तो मैं आया था इनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने लेकिन अम्मा जी ने मैंने ये साथ रखा मैं ना जी तकरीबन पूरी दुनिया में ही फिरता हूँ और मैं सब देखता हूँ कि क्या हो रहा है ये जो बिनते फातिमा का सिलसिला है इसको मैंने खुद ढूंढा है शौक से ढूंढा है क्योंकि इसके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ और मज़ीद जानना चाह रहा था यहाँ पर मैं आया हूँ माँ जी से मिला हूँ बाकी सारी अपनी बेटियों से अपनी बहनों से मिला हूँ एक बड़ा ही शानदार अदारा है इस अदारे के अंदर बड़ी सेफ्टी है बड़ी सहूलतें हैं हर बंदा अपने आप को महफूज समझता है और मैं उनको इनके साथ मिलकर चलना चाहिए ये हमारी माएँ हैं हमारी बेटियाँ हैं हमारी बहनें हैं That is correct and half over. और इनका तहफ़ हमारी जिम्मेदारी है हमें अपनी जिम्मेदारी से छुपना नहीं चाहिए इसका हिसाब देना पड़ेगा हमें
सो बड़ा मुश्किल है ये हिसाब। चलो स्लेट स्लेट ही निकालो, ध्यान करो, हिसाब करो। मेरा ख्याल है यहाँ से पता चलता है कि वाकई आप जो है वो जिस तरह से इस माहौल में आए, तो वो सारा जो है वो निकल के टैलेंट बाहर आ गया सबका माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगी कि इन्होंने इन माओं को ढूंढा और इन माओं के घर में आए, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि ये इन माओं का घर है। मैं इदारा तो कहती हूँ, मुझे शर्म आती है, मुझे हया आती है कि इदारा नहीं है, ये घर है। तो बस मुझे जब इनकी मेल आई या इन्होंने फ़ोन किया आपको, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक बंदा जो इतना बड़ा सेलेब्रिटी या इतना बड़ा नाम है उसका, और वो इन माओं को ढूंढ रहा है और पूरा असल से टाइम मांग रहा है। बहुत बड़ी बात है। जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम। आप देखे ना माहौल कैसे हो गया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। आमीन आमीन। बस मेरे पास मोहब्बत में तेरे सर की कसम ऐसा भी होता है। हाय हाय हाय। मोहब्बत में तेरे सर की कसम ऐसा भी होता है, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मेरे जिया मातम भी होता है। हाय हाय हाय। बिल्कुल इसी तरह ये मांगते थे कि या अल्लाह पाक मुझे नेकी करने की तौफीक दे, मुझे नेक लोगों के साथ जुड़ने की तौफीक दे। तो अल्लाह पाक ने इनको रास्ता दिखा दिया इन माओं के घर का। तो हम सबका फ़र्ज़ है कि हम माओं की छत बने, हम माओं की छत बने। छत बनने का ये मतलब नहीं है कि घर की वो, हम माओं की सरपरस्ती करें और उनको इज्जत दें और उनको जिस तरह आज इनका अंदर से बच्चा निकल आया इनको देखे तो हाथ में जी जी बड़े बड़े फनकार आते हैं और अलहमदिल्ला पिछले साल भी काफ़ी लोग आए थे और ये लोग धार्मिक को देख के हमें ज़्यादा खुशी हुई है। लेकिन मैं एक और बात भी कहना चाहूँगी कि मैं बेटों और भाइयों से कभी भी मायूस नहीं हुई, कभी भी मायूस नहीं हुई। हो सकता है उनके पास हमारे शायान शान या हमारी अकॉर्डिंगली कोई अच्छी जगह ना हो और उन्होंने हमें बेहतरीन जगह पर छोड़ दिया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं बेटों भाइयों से मायूस नहीं हुई है, मेरे भाई हैं और मैं देख के खुश होती हूँ कि एक भाई और आए हैं। बहुत बहुत इनके लिए दिल से दुआ करती हूँ कि आप एक मेरे ख्याल से आधे घंटे या 10 मिनट के लिए अगर अपना टाइम निकालते हैं तो वो अल्लाह पाक के पास आपकी जो नेकी है वो उस चीज में लाखों करोड़ों में बदल जाती है। तो इन माओं की जो खुशियाँ वो अब ये अकेले भी जब बैठेंगी ना तो वो इनकी बातें सोच सोच याद करेंगी। उनका नाम ही है ये कि आए नहीं मेरी अम्मा। तो दुनिया में किसी भी मुल्क का, किसी भी मजहब का, किसी रंग और किसी नस्ल का इंसान हो, जब उसको तकलीफ होती है ना उसके मुंह से ऑटोमेटिक निकलता है ना मेरी माँ। तो वही एक बात हम लेके चल रहे हैं कि अल्लाह ने माँ का रिश्ता ऐसा बनाया, हो हिंदू हो गए बेशक। आए हाय हाय। मेरी माँ टूट गई है। अल्लाह ताला बड़ी जजा दे, अल्लाह बहुत नवाजे। और कि मस्जिद नबी जब जाओ और जब वहाँ नमाज पढ़ के आप जब बाहर वापस आओ तो अपने जो पाँव की जो चपलियाँ हैं वो बड़े अदब एहतराम के साथ रखो। मोस्टली वहाँ पर जो है हम लोग वो चपलियाँ जब बाहर निकलते हैं तो ऊपर से छोड़ते हैं और वो उसका बड़ा एक साउंड आता है जो कि उस अदब के ख़िलाफ़ है। तो ये दिल में मेरी बात इन इफ्तिखार ठाकुर भाई की जो है वो आज तक याद है। और मेरा ख्याल है मैं जब भी मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ के बाहर निकलता हूँ तो मैं अपनी जूतियाँ बड़े अदब के साथ ज़मीन पर रखता हूँ और उस वक़्त मैं इफ्तिखार ठाकुर भाई को याद करता हूँ और वो सदका जारिया इन इस शख्सियत को जाता है। सोचें कि जिसके दिल से बात निकली। मेरी तरफ से शुक्रिया इस तरह हो सकता है जैसे जो आप हर दफ़ा जो स्टार एक मुंतज़िर होता है वो मैं यही कर सकता हूँ। कुछ नहीं है देने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह।